नमस्ते जुली टच दिल्ली, आप सभी का ट्रेबल गर्ल में फिर एक बार स्वागत है। तो सबसे पूर्व तो आप सभी को इस महापर्व के उपलक्ष्य में ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को बुद्ध जयंती के शुभ अवसर पर ढेर सारी बधाइयां, और मैं यही प्रार्थना करूंगी तथागत बुद्ध से कि आप सभी पर उनकी कृपा इसी प्रकार बनी रहे। तो जी हाँ, हम हैं हांगरंग वैली में, हम हैं किन्नौर के बेहद ही खूबसूरत हांगरंग वैली के हांगो गांव में। तो इस बार जो है हांगो गांव द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है बुद्ध जयंती का। तो हर साल जो है हांगरंग वैली में बुद्ध जयंती बड़े ही हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। तो आप जैसा मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर जो तैयारियाँ हैं वो तकरीबन हो चुकी है और कुछ ही देर में ये जो आयोजन है वो शुरू होने वाला है। तो इस आयोजन के मुख्य अतिथि है हमारे लोसा रिमोचे जी, जो यहाँ पर पधार चुके हैं। तो चलिए आप लोगों को भी ले चलते हैं इस महापर्व में। नमस्कार जूले, आपका हमारे यहाँ हांगो गांव में पधारने का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। अब यह बुद्ध जयंती के बारे में ऐसा है, सर्वप्रथम नाको में परम पावन दलाई लामा जी पधारते, उसके लिए हमने मतलब वो आयोजन किया था एक भव्य समारोह का। तो हम सात गांव सुमरा शलखर नाको मालिंग लियो हांगो चुलिंग, ये सात गांव। फिर उसके बाद भव्य समारोह संपन्न हुआ। संपन्न होने के बाद हमारे लोचन रिचन जांगपो जी ने मतलब एक बुद्ध जयंती हर वर्ष हम मनाते हैं कहकर मतलब हमने ये शुरू किया था। बुद्ध जयंती जो है बुद्ध पूर्णिमा के दिन, वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के दिन मनाते हैं हर गांव में बारी बारी से, और बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। इसको द्विछन सुमदम कहते हैं। द्विछन सुमदम का मतलब है बहुत बड़ा शुभ दिन, और जो है तीन मतलब वो जो इकट्ठा उसका ये है कि तीन का मतलब ये है कि महात्मा बुद्ध का जन्म इसी दिन हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति भी इसी दिन हुई थी, और इनका महापरिनिर्वाण भी इसी दिन हुआ था, इसलिए द्विछन सुमदम कहते हैं। और हमारे यहाँ इस साल हमारे हांगो में है इसका बुद्ध जयंती का आयोजन जो है बड़ा अच्छी तरह से संपन्न हुआ। सर्वप्रथम हमारे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में लोसा रिंचन जांगपो जी पधारे,
और बहुत हमें हमारे गांव में शुभ हुआ। और सबसे सर्वप्रथम हमारा बुजुर्ग दिवस मनाने का ये है कि सबसे सर्वप्रथम हमारा मतलब कंजूर और महात्मा बुद्ध के मूर्ति को पूरा मंदिर के आसपास चक्कर लगाते हैं, एक चक्कर। फिर हमारे गांव में बड़े बड़े लामा लोग पधारते हैं, खासकर बड़े बड़े लामाओं का रिस्पेक्ट, मतलब हमारे खानों में कहते हैं बिल्कुल कुंवारी लड़की, मतलब वो कुंवारी लड़की 3 या 5 या 7 ऐसा उस तरह से उनका पूरा मतलब वेशभूषा सिर पर लगाते हैं फरक, और पूरा जितने भी हमारे मतलब वो जेवरात होते हैं सारा जेवरात लगा के हाथ में फुद कोरंग बोलते हैं निचले, मतलब हमारे सुमतों को बोली में कोरंग बोलते हैं, हमारे बोली में फुद बोलते हैं, और शुरकू शुक्पा लेके फिर वो लोग उनका स्वागत करते हैं पूरा अपना वेशभूषा सारा कुछ लगा के। उसके बाद फिर लोता रिंचेन जंगपू जी के कर कमलों से दीप प्रज्वलित होती है, दीप प्रज्वलित करने के बाद फिर उनका अपना मतलब पूजा अर्चना करते हैं। पूजा अर्चना के बाद फिर हमारे विद्वान लोग जो भी आते हैं वो लोग अपना ज्ञान का प्रवचन देते हैं। उसके बाद फिर लंच सिस्टम लामा तो
कितने पूरी बना लिए? 150-200 के करीब। कब से बना रहे हैं आप लोग? 3 बजे से, सुबह की 3 बजे से। जो यहाँ पूरा हंगरंग गांव है, हंगरंग गांव जो है बारी बारी करते हैं भूज जयंती मनाने का। इस बार हमारी बारी है, इससे पहले भी हमारे दूसरी बार है हम जो यहाँ भूज जयंती मना रहे हैं। इस पर आयोजन में पूरा गांव का सहयोग होता है, पूरे गांव वाले यहाँ मिलके मनाते हैं, पूरा गांव आते हैं। फिर आज और पर के सभी गांव भी आएंगे, जितना दूर दूर के पूरे हंगरंग गांव या पू ब्लॉक से भी आ सकते हैं मेहमान। पूरे किन्नौर के वासियों को हम यहाँ आमंत्रित करते हैं कि आप सभी आए और आकर हमारे इस भूत जयंती की शोभा बढ़ाए। नमस्कार जी, अब हमारे लंगर में आप पहुँच गए, स्वागत है जी आपका। आए देखो जी, ब्रेकफास्ट तैयार हो गया जी हमारा। आप देख लो जी, कारीगर लोग लगा हुआ है। क्या क्या बना रहे हैं आप आज? अभी हम आलू छोले बना रहे जी, उसके बाद मिक्स वेज बनेगा जी, फिर राजमा बनेगा जी लंच के लिए, और चावल और चाय सारा चीज यहाँ पीछे बन रहे हैं, फुलका पीछे बन रहे हैं जी। बस मैस तैयार है जी कंप्लीट, अब ब्रेकफास्ट के लिए आप रेडी हो जाओ जी। ये हमारे ज्वार जी, ज्वार प्याज कटने में अच्छे रहे बहुत। ये 7 कुकर राजमा पड़ा है जी, 22 लीटर का। पूरा हंगरंग में लिया आएगा जी आज, इसलिए हमारे को सवेरे ब्रेकफास्ट खा क्योंकि हम 6 बंदे हैं, ये सारा 6 आदमी कंप्लीट करेंगे जी। 6 बंदे करेंगे जी ये कंप्लीट, दाल सब्जी ब्रेकफास्ट सब कुछ। डेंसिल क्या क्या डाला है इसमें? इसमें घी, हम लोग नमकीन चाय बना रहे जी। हम लोग तो खून जा, हाँ जी लो जी, नमकीन चाय बना रहे जी हम लोग आज भूज जयंती के लिए। फिर लंच के बाद हमारा यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में पूरा 7 गांव अपना अपना गांव का सब अपना अपना कल्चर प्रोग्राम लेकर आते हैं। Thank you.
मंडल शेखर, आप अपना सांस्कृतिक दल लेकर यहाँ आए, आप अपना प्रोग्राम लेकर आने की कृपा करें। मैं बुलाना चाहूंगा महिला मंडल लियो।
बुद्ध पूर्णिमा इस साल बहुत अच्छी तरह से शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुआ। जय हिंद, धन्यवाद। Thank you.
Thank you.